मिलते नहीं है जो हक वो लिए जाते हैं। आजाद हम हैं पर गुलाम कर लिए जाते हैं। उन सिपाहियों को सत सत नमन करो जो मौत के शाये में जिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दार्जिलिंग में बीएसएफ में तैनात प्रदेश के बांगड़ अंचल के बंसवाड़ा जिले के निवासी जवान महेंद्र सिंह रणावत गुरुवार को ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, जिसके बाद शहीद महेंद्र की पार्थिव देह यात्रा अपने पैतृक गांव जाते समय डुगरपुर पहुंची। इस दौरान जिले भर के रास्ते में बांगड़ के लाल महेंद्र सिंह को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। वहीं इस दौरान भारत माता और शहीद महेंद्र सिंह के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। लोगों ने नम आंखों से शहीद महेंद्र सिंह को अपने पैतृक गांव के लिए अंतिम विदाई दी। बांसवाड़ा जिले के रोहनिया गांव निवासी महेंद्र सिंह रणावत दार्जिलिंग में बीएसएफ में तैनात थे। गुरुवार रात को ड्यूटी के दौरान बॉर्डर पर बिजली गिरने से महेंद्र सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। रविवार सुबह बांगड़ के लाल शहीद महेंद्र सिंह रणावत का पार्थिव देह अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसके बाद बीएसएफ के जवान अपने साथी का पार्थिव देह लेकर बांसवाड़ा के लिए रवाना हुआ। बांसवाड़ा जाते समय शहीद महेंद्र सिंह की पार्थिव देह यात्रा डुगरपुर जिले से होकर गुजरी। राजस्थान गुजरात के डुगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर पर शहीद महेंद्र सिंह की पार्थिव देह यात्रा पहुंचते ही रतनपुर चौकी पुलिस ने जवान को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद महेंद्र सिंह की पार्थिव यात्रा रतनपुर बॉर्डर से रवाना हुई और विभिन्न गांवों से गुजरते हुए डुगरपुर शहर पहुंची। इस दौरान बिंछवाड़ा कानवा और डुगरपुर शहर के सेक्टर चौराहा तहसील चौराहा पुराना बस स्टैंड पर कई गणमान्य लोगों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर वीर जवान को अंतिम विदाई दी। शहीद महेंद्र सिंह का उनके पैतृक गांव में रोहनिया में राष्ट्र सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर बलिदानी महेंद्र सिंह रणावत जी की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।